Dear students if i ask you are you able to speak english confidently you would say yes

और पास्ट टेंस के बारे में बहुत सारी कहानियां भी हैं ऐसी जो मैं आज आपको बताने वाला हूं इसमें स्टोरी टेलिंग तो ऐड कर ही लीजिएगा तो चलिए मजे के साथ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्ट टेंस में आप सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो पहले समझे कोई भी टेंस को अगर आप स्टडी कर रहे हो ना तो उसको आप इस तरीके से पहले तो बनाना सीखे देखो ये जो दोनों सेंटेंस है इसमें यह सेंटेंस अफर्मेटिव और ये आपका नेगेटिव है और ये जो तीन मैंने बनाया आपके इंटरोगेटिव है इसमें ये जो है हेल्पिंग वाला इंटरोगेटिव है ये आपका डब्ल्यू वाला इंटरगेटिव है और यह आपका पैटर्न वाला इंटरगेटिव है तो सबसे पहली चीज जो आप सभी को आनी चाहिए कि आपने बनाया शी वैंड यह बहुत सरल सा सेंटेंस है शिवेनडे किसमें बनाया आपने इस पर्टिकुलर टेंस स्ट्रक्चर में ना वेंट एंड इसका नेगेटिव क्या होगा शी डिड नॉट

वैन जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आप लगाना चाहते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसको यूज करें एंड देन इसको कॉपी कर दें वाई डिड शी गो there? हाउ डिड शी गो there? एंड वैन did she गो there? 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 और भी काफी सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें आप उसको यूज कर दें एंड लास्ट आप लिखेंगे कौन वहां गई तो आप कहेंगे हु

देखिए जब स्टूडेंट्स इनके यूजर्स को सीखता है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो फेस करता है आप ये देखो ये वॉसवर यहां भी लिखा है इसमें कंटीन्यूअस टेंस आता है जिसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा नहीं है तो मैं इसके जस्ट नीचे यहां पर एक नया स्ट्रक्चर लिख रहा हूं ठीक है ना येलो से वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है ये लीजिए अब आप यहां ये देखिए कि इसमें और इस वाले स्ट्रक्चर दोनों में वॉजबल लगा लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहां आईएनजी आ रहा है तो ऐसे आपको डिफरेंसेस पहले तो समझने पड़ेंगे जब ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक चीजें आसान हो जाएगी देखिए मैंने कहा वह व्यस्त था ही वॉज बिजी वो कॉलेज में था ही वॉज इन कॉलेज अब आपको इसको बोलने के लिए क्या करना है पता है अपने ब्रेन का जो बैलेंस है ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का उसको मेंटेन करना है सबसे पहले तो आप ये मुझे बताए कि कल क्या क्या हुआ था या क्या क्या देखा आपने कल क्या क्या था तो आपने कहा कल वो कॉलेज में था ही वॉज इन कॉलेज वो स्कूल में था ही वॉज इन स्कूल वो अपने दोस्तों के साथ था ही फ्रेंड और मैंने कहा कहा आप कहां थे तो आपने आई वॉज एट माई होम मैं अपने घर पर था आई वॉज विथ माई फैमिली मैं अपनी फैमिली के साथ था मैंने कहा दो साल पहले वो क्या था तो आपने कहा दो साल पहले वो एक डॉक्टर था ही वॉज ए डॉक्टर टू इस गो तो इस तरीके से आप जब सेंटेंसेस को बनाएंगे और बोलेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस आप बैलेंस कर पाओगे समझना जब भी कुछ थे आप आप तो अब ये जो जो सिंपल टेंस टेंस है भी आपने किया या आप करते थे मैं वहाँ गया मैंने 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 देखा मैंने समझा understood, मैंने बोला I spoke. पूरे स्ट्रक्चर का निचोड़ आपके सामने आपको सिर्फ समझ के चलना सारी चीजों को मैंने कहा I was helping हिम मैं आराम कर रहा था जब आप आए आई वॉज टेकिंग रेस्ट वेन यू I was taking rest when you came. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना वो स्टूडेंट्स की होती है कि वो सेंटेंस नहीं बनाता है आपको सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बनाना है। आई वॉज टेकिंग रेस्ट जब आप आए वेन यू कैम आप देख सकते हैं वेन यू कैम में ये जो है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट वाली सिचुएशन है लेकिन ये जो सिचुएशन है दिस इज फ्रॉम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस

used to देखो ये used to एक एडजेक्टिव भी अपने आप में used to जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज का आदि होना जैसे आपने कहा i'm not used to अब मैं इसका used to नहीं हूं मतलब मैं इसका आदि नहीं हूं तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो चीज आपकी आदत में नहीं है उसको आप used to में लगाते हैं है ना तो इस तरीके से आप इसको used to को यूज करते हैं जैसे आपने कहा कि मैं ना बचपन में आ, हिंदी बोला करता था मैं बचपन में ना अपनी नेटिव लैंग्वेज बोला करता था तो इन माई चाइल्ड हुड आई यूज टू स्पीक माई नेटिव लैंग्वेज यू नो तो इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं अच्छा वुड भी यूज होता पास्ट में मैंने कहा मैं बोलता यदि आप मुझे कहते हैं तो बोलने के लिए आई वुड स्पीक इफ यू टोल्ड मी टू स्पीक मैं वहां जाता आई वुड गो देर में उसे समझाता आई वुड एक्सप्लेन मैं उसकी मदद करता लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि आपने मुझे परमिट ही नहीं किया आई वुड हेल्प हिम बट आई डिंट हेल्प हिम बिकॉज यू डिड नॉट परमिट मी क्योंकि आपने मुझे परमिट नहीं किया तो मैं वहां जाता हूं गो देर मैं उसे पढ़ाता आई वुड टीचिंग उसकी मदद करता आई वुड हेल्प हिम मैं कुछ नया सीखता आई वुड लर्न समथिंग यू दिस इज द वे टू यूज आप समझिए कि आप कैसे जो है वुड को यूज करता है मैं इंग्लिश बोलता यदि आप बोलते मुझे बोलने के लिए तो आई वुड स्पीक इंग्लिश इफ यू टोल्ड मी टू स्पीक इफ यू टोल्ड मी टू स्पीक सो दिस इज द वे टू छोटा सेंटिस बनाते हो मैं चाहता हूं कि आप अपने सेंटेंस को थोड़ा सा लेंदी करें आपका सेंटेंस लेंदी होगा आपका सेंटेंस बड़ा बनेगा तो उसका फायदा क्या होगा बताइए उसका फायदा यह होगा आप ज्यादा से ज्यादा उसको बोल पाओगे आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे मेरे पास कल समय था आई हैड टाइम ऐसे ही मैंने कहा मैं अपना काम कर चुका था। okay? वॉक ओके जा चुका था I had gone there. मैंने अपने sentences बना लिए थे जो आपने मुझे कॉल किया था आई हैड मेड माय सेंटेंसेस व्हेन यू कॉल्ड नो तो इस तरीके से जो काम आप कर चुके थे पास्ट में हो गया था पास्ट में वहां लगाना अच्छा स्टूडेंट एक और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, वी टू और के में। भाई ये अलग है ये अलग टेंस है यार ये बहुत अलग टेंस है अगर आप मान लीजिए आपने कहा कल मैंने उसकी मदद की थी कल मैंने उसकी मदद की थी तो ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में बनेगा क्योंकि आपने यस्टरडे लगा लिया लेकिन जब आप बोलोगे कल मैंने उसकी मदद की थी यस्टरडे आई हैड तो ये गलत हो जाएगा आपको इसमें नहीं बनाना है यस्टरडे लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर ये ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंपल पास्ट टेंस के साथ लगते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ नहीं लगते फिर क्वेश्चन होता है इसको कहां लगाना है तो भैया इसको ये तब लगाना है जब आपने कोई काम पास्ट में किया था तब कोई काम हुआ जैसे कल क्या हुआ

इसके बाद जो काम आपको करना पड़ा करना पड़ता था या करना था इन तीनों सिचुएशन के लिए आप हैड टू का उपयोग करते हैं जैसे मुझे वहां जाना पड़ा आई हैड टू गो देयर आपको पढ़ाई करनी पड़ी मैं जानता हूं आई नो यू हैड टू स्टडी मैं जानता हूं अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी आई नो यू हैड टू स्टडी वेरी हार्ड यू हैड हैड टू 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 यू हार्ड स्कोर गुड मार्क्स और सबको ही करना पड़ता है यार एन एवरीबडी नाउ ऐसे ही मैंने कहा वो दो दिन से पढ़ाई कर रहा है तो ही हैज बिन स्टडिंग फॉर टू डेज अब इसका पास्ट होगा वह दो दिन से पढ़ाई कर रहा था ही हैड बिन स्टडिंग फॉर टू डेज वो दो दिन से इंग्लिश सीख रहा था ही हैड बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर टू डेज वो, वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिस्टेंस जो लास्ट वाला वही तो है आपका ये

चलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये पांच टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे अब आपको ज्यादा से ज्यादा इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक एक स्ट्रक्चर के दस दस सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर लो आप फिर देखो ऑटोमेटिक चीजें आपको क्यों नहीं समझ में आएगी सबको आएगी चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्टेंट के साथ में टिल देन बाय हाँ गुड डे